हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने देखा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, एक बिंदु है तो उसके कारण उस पर क्या विभव आएगा, तो वो हमने देखा था। तो क्या आया था विभव? V इक्वल टू आया था 1/4πε0 क्यू अपन आर। और मान लो बहुत सारे आवेश दिए हैं, कोई बिंदु है इस पर कई सारे आवेश दिए हैं, है ना। बिंदु पी है, इस पर कई सारे आवेश, मान लो क्यू वन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है, क्यू फोर है, ठीक है, ऐसे कई सारे आवेश दिए हैं। और इसकी जो दूरी है, मान लो इसके आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, आर फोर है, बहुत सारे क्या है आवेश दिए हैं। वो किसी एक बिंदु के लिए निकाले थे हम लोग पिछले में, और तो इसमें बहुत सारे आवेश दिए हैं, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि अगर बहुत सारे आवेश हैं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो विभव आएगा 1/4 q/1/4πε0 आ जाएगा, और समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। जहाँ पे आर का मान अगर क्या है क्यू वन है तो क्यू वन आएगा, आर वन है तो आर वन आएगा, अगर दूसरे आवेश के लिए है तो क्यू टू आर टू हो जाएगा, क्यू थ्री आर थ्री हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे समेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आप लोग जान जाओगे, और हम लोग पिछले क्लास में इसको देख भी चुके हैं। अब देखते हैं दो ध्रुव के कारण किसी बिंदु आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। दो अगर दो ध्रुव है, कोई सभी दो ध्रुव है, ठीक है, उसके कारण बिंदु आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये दो टाइप से होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी निकाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको देखा है अच्छे से तो ये बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या अक्षीय निरक्षीय दो ध्रुव के कारण दो निकलते हैं, एक अक्षीय स्थिति में एक निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो आज देखते हैं अक्षीय और निरक्षीय, ठीक है। पहला है अक्षीय स्थिति में, ठीक है, तो इसमें दो ध्रुव ए और बी दो ध्रुव है, जिसमें ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। अब देखो ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पे हम लोग को विद्युत विभव ज्ञात करना है। हम लोग को पहले क्लास में, मतलब पहले चैप्टर में क्या निकालना पड़ता था, हम लोग को वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती थी, ई निकालना पड़ता था। और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती थी, यहाँ विद्युत विभव निकालना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो ए से बी तक की जो दूरी है वो टू ए है, ठीक है, ये भी दूरी है ओ से पी तक की दूरी, और ये जो है ए से बी तक की दूरी है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु पी पर क्या विभव आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी वन इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ए पी हो जाएगा, ठीक है, ए पी, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश ए पर है तो ये जो होगा ये ए पी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ए पी इक्वल टू क्या होगा, ओ पी माइनस ओ ए, AP इक्वल टू, अब देखो इसको हम लोग को हमेशा ओरिजिन से लेना है, वो क्या है प्लस क्यू आवेश को, तो इसको हम लोग क्या होगा OP, इसको OP माइनस AP इतना करूंगा तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। एक बार और देखो AP इक्वल टू क्या होगा, OP माइनस OA होगा, सॉरी OP माइनस OA करूंगा तो क्या होगा ये पूरा निकल जाएगा, AP निकलेगा, तो OP की जगह में क्या है R है, OP में R, ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है आर है, और ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, ओ से ए तक का डिस्टेंस ए है और ओ से बी तक का भी डिस्टेंस ए है, दोनों मिला के क्या है टू ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रख देंगे एपी का, तो बी वन इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं लिखना भूल गया था, ठीक। अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, अब देखो माइनस क्यू कहाँ पर है, माइनस के बिंदु बी पर है, ठीक है, तो इसके कारण क्या विभव आएगा वो देखो, तो वी टू इक्वल टू 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन बी पी। अब देखो यहाँ से बी से पी, ये देखो ये ए से क्या था इतना ही डिस्टेंस था, लेकिन बी पी के लिए क्या है ये टोटल है, बी से पी तक का पूरा है, ठीक है, तो बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ पी, ठीक है, ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है प्लस ओ बी, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा आर प्लस ए हो जाएगा। आर क्या है, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है, और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है ए है, ठीक है, तो वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। अब देखो परिणामी, परिणामी क्या निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव निकल जाएगा, वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू हो जाएगा, ठीक है, तो वी वन का मान यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है, वी टू का मान यहाँ पर है, दोनों को पुट कर दो, मैथमेटिकल सॉल्व करो आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे वी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपन आर माइनस ए, वी वन का मान है और
सॉरी यहाँ पे 1/4 पाई ε₀ के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए किसका मान है, V2 का मान है V1 प्लस V2 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन क्या आएगा, Q/4πε₀ के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन आया तो क्या होगा 1/r-a, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर यहाँ से Q और ये 4πε₀ के काम बाहर आ गया है तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे r-a बचेगा। वैसे ही यहाँ से Q/4πε₀ Q के आ गया है बाहर तो क्या बचेगा, यहाँ पे -1/r+a, तो -1r+a, ठीक है। अब देखो इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, ये तो सॉल्व करना आपको आता ही है। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो r+a - r-a ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब देखो r-a r+a, ठीक। तो अब देखो अगर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो r प्लस में है, इधर का r अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे r माइनस ए r प्लस ए, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए होता है, तो यहाँ पे देखो क्यू है, यहाँ टू ए है, तो क्यू इंटू टू ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे, पी रख देंगे, ठीक है। अब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε₀ के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आर जो है, ये देखो यहाँ पे आर भी डिस्टेंस है, ए भी डिस्टेंस है, लेकिन आर क्या है, बड़ा डिस्टेंस है, ई क्या है, उसकी तुलना में बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आर इज लेस ग्रेटर देन ए, मीन्स आर जो है ए से बहुत बड़ा है, ऐसा हम लोग तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम लोग ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε₀ के पी अपॉन आर स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं हमेशा लेते आ रहे हैं कि वाई और निर्वात में के का मान क्या होता है, 1 होता है, तो भी इक्वल टू 1/4πε₀ पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये है अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति में दो ध्रुव ए और बी है, ठीक है, जहाँ पे ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश, जैसे अक्षीय स्थिति में होता था वैसे निरक्षीय स्थिति में भी ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, और बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पे हम लोग को क्या है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। हम लोग इसको पिछले में ये कर चुके हैं, हम लोग वहाँ पे क्या निकालते थे, विद्युत क्षेत्र ई निकालते थे, ठीक है। वहाँ भी निरक्षीय स्थिति देख चुके हैं, यहाँ भी निरक्षीय स्थिति देखेंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग निकालते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग विभव, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव क्या होगा, V1 = 1/4πε₀ के क्यू अपॉन ए पी हो जाएगा। वैसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा, 1/4πε₀ के माइनस क्यू अपॉन बी क्या हो जाएगा, बी पी। अब देखो बिंदु पी पर परिणामी निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे V1 + V2 को, तो V = V1 + V2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो V1 का मान क्या है, 1/4πε₀ के क्यू अपॉन ए पी प्लस इसका मान बी पी का मान क्या है, 1/4πε₀ के माइनस क्यू अपॉन बी पी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या है, क्यू कॉमन Q/4πε₀ के बाहर निकाल देंगे, Q/4πε₀ के 1, तो बचेगा क्या, 1/AP - 1/BP, यहाँ से AP बच जाएगा, यहाँ से BP बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो डिस्टेंस है A से, मींस AP का जो है वो BP का भी वही डिस्टेंस है, AP का जो डिस्टेंस है BP का भी वही डिस्टेंस है, ठीक है। तो AP इक्वल टू अगर हम लोग BP लेंगे, तो यहाँ पे मान लो AP ले लिए या फिर BP ले लिए, तो दोनों को मान लो यहाँ पे BP की जगह AP लिए, तो 1/AP - 1/AP क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, या फिर BP की जगह AP इसके जगह ये ले लिए BP ले लिए, 1/BP - 1/BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो विभव भी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, मीन्स निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है।
जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे क्या होती थी, वो 2E होता था, मीन्स 1/4। ये दोनों को अक्षीय और निरक्षीय को हम लोग कंपेयर करते थे, तो E1 जो है E2 के 2 times ज्यादा होता था, मीन्स निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति का 2 गुना होता था। क्या मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, लेकिन जबकि हम विभव निकालेंगे तो अक्षीय निरक्षीय के कंपेयर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।